हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को कवर करने वाली हूँ। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन एंड ग्रेड टू दोनों की वैकेंसी है। ये वैकेंसी परमानेंट पोस्ट के लिए है। 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक अवेलेबल रहेगी। कैंडिडेट को ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये वैकेंसी मल्टीपल डिपार्टमेंट में है। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कैटेगरीज वाइज वेरी करेगी। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में तक बने रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस YouTube चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी की डिटेल है। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन के लिए एकेडमिक पेलेबल 12 रहेगी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए एकेडमिक पेलेबल 11 एंड 10 दोनों है। ये लेवल एक्सपीरियंस के बेस पर वेरी करेगी। यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। PhD डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एक्सेलेंट एकेडमिक एंड रिसर्च रिकॉर्ड। यहाँ अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऑन बिफोर 31 मई 2024 5 PM तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी टाइम है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फीस फॉर अनरिजर्व OBC NCL EWS कैटेगरी 2000 रुपीज है, SC ST PWD के लिए 1000 रुपीज है एंड ओमेन कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्टेड है। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेड की जाएगी। देन यहाँ से आप जनरल इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। कैंडिडेट अगर पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं एम्प्लॉई है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में तो इंटरव्यू के टाइम में NOC सबमिट करेंगे। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बिलो 35 ईयर्स के कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड किस डिपार्टमेंट में क्या सीट रहेगी ये डिटेल देखते हैं। गाइज, यहाँ पर वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में। इसके अंदर में इन सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फिजिकल सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स एटसेट्रा, इन सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में है, के अंदर में मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, स्टोकेस्टिक एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स इन मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इन सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट का 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पे स्केल रहेगी। फैकल्टी को रेगुलर पोजीशन के बेस पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के अकॉर्डिंग सर्विस बेनिफिट मिलेगा। यहाँ टोटल 9 सीट की वैकेंसी है एंड रिजर्वेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगा। एंड गाइज, ये वैकेंसी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रायचूर से, ये कर्नाटका में स्थित है। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।